डलेगा, बटर डलेगा। हेलो नमस्कार आदाब, सबसे ज़्यादा स्वागत है आज के नए एपिसोड में। आज हम आए हैं इंदौर में और हम देखेंगे सेठ बाटी वाला की पिज़्ज़ा बाटी और बहुत सारी इनकी बाटी हैं, उनको हम देखने वाले हैं। कैसे आप? बस सर बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल सर। आयुष अग्रवाल सर, बताइए कि सबसे पहले पिज़्ज़ा बाटी का आइडिया कैसे आया? सर एग्जैक्टली हम लोग क्या है, बस एक कोशिश कर रहे हैं मार्केट से मैदे को रिप्लेस करने की। मैदे को रिप्लेस करने? हाँ जी, इस बेस पे गेहूं में आइटम्स ला रहे हैं कि आइटम हेल्दी भी हो जाए और टेस्टी भी हो जाए, क्योंकि हो ये रहा है होटल लाइन में लगभग हर चीज़ में मैदा डल रहा है। इनफैक्ट जो आटे की रोटियाँ चल रही है, आटे के जो होल व्हीट पिज़्ज़ा चल रहे हैं उसमें भी 20-30% 40% मैदा डालते हैं वो लोग। तो हमारा बस यही है कि आप आटा बोल के उसको बेच रहे हो तो प्योर आटा दो। सही बात है। ये सर हम लोग रेडी कर रहे हैं पिज़्ज़ा बाटी। अच्छा पिज़्ज़ा बाटी, हाँ जी। ये कौन सा डो रहता है? ये आटे का सर, प्योर गेहूँ में। प्योर गेहूँ रहता है? अच्छा। ये सर ये चीज़ें विद ग्लव्स पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ। हम लोग हाथ पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें करते हैं। ये सर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़, हाँ जी। ये सर आलू का मसाला। ये आलू, हाँ जी। ये मूंग का मसाला। मूंग का मसाला, मूंग दाल होती है इसके अंदर? मूंग दाल है सर। काफ़ी हाइजेनिक इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करे हैं वैसे अभी तक। ये पनीर। पनीर, हाँ जी। और ये स्वीट कॉर्न सर, एक बार। मेरा पर्सनली ये मानना है सर, देसी चीज़ें जितनी हेल्दी रहती है ना, हाँ, वेस्टर्न उतनी अनहेल्दी रहती है। हाँ अभी तो सही है। ये कौन सा आटा रहता है जो नीचे आप इसमें डिप कर रहे हो? ये सर ये भी आटा ही है, गेहूं का ही है। अच्छा। हाँ जी, ये इससे ताकि बाटी प्रॉपर शेप में ले ले और बाटी फटे नहीं, चिपके नहीं। अच्छा। कितना टाइम लगता है इसको पकने में? 4-5 मिनट लगता है सर टोटल। 4-5 मिनट, हाँ जी। और ये जो आपने तंदूर जैसे बनाया है उसके बारे में ज़रा बताइए। ये ओवन है सर, बाटी का ओवन है। हाँ, बाटी का ओवन है। ये यूजुअली मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है बाटी ओवन के नाम से। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे छोटी बड़ी बाटियाँ हैं। हाँ, ये सब पनीर बाटी है सर, इसमें हमारे पास आलू बाटी भी है, मूंग बाटी भी है। अच्छा, एक प्राइसिंग क्या रहती है इनकी? प्राइसिंग सर आलू बाटी 20 रुपीज़ रहती है, मूंग बाटी 20 रहती है, पनीर बाटी 25 रहती है, और जो पिज़्ज़ा बाटी है 100 रहती है। पिज़्ज़ा बाटी दो लोगों के हिसाब से सफिशिएंट हो जाती है सर। दो लोग खा सकते हैं आराम? हाँ जी, थोड़ी सी हैवी रहती है सर, फिर अंदर पूरी स्टफिंग्स आ जाती है, ऊपर से भी चीज़ पूरा ग्रेड होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अभी ये 50% इस पर बेक हो गई है। अच्छा, अब 50% डायरेक्ट इसके ऊपर रखा के सिखाइए। अभी तक आप हमने घी ऐड करा है, बटर ऐड करा? बटर है सर। बटर है ये, इससे स्मोकी टेक्सचर और प्लस हो क्या आता है। अच्छा। सिगड़ी का सर ऐसा है कि जितनी कालिक चढ़ती है उतना ज़्यादा फ्लेवर और प्लस हो क्या आता है, इसकी कड़वाट कभी नहीं आती। ये जला हुआ तो नहीं ना? जला हुआ नहीं है, जल गया है, लेकिन ये जला हुआ नहीं है। ये जला हुआ नहीं है सर, वीडियो देख के लोग कहते हैं कि जल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जला हुआ है सर। बहुत सारे लाइक कमेंट्स पड़े हैं, यूजर्स का आता है कि बाटी जलाती है एंड ऑल। मेरा ये मानना है सर, एक बार खा के देखें। हाँ, अगर जला हुआ टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कैसा है। वही 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 सर। एक बार घी डालना थोड़ा। इसका बेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी ये बाटी का बेस हो चुका है रेडी। हाँ जी, अब इसको पूरा गार्निशिंग होगा। अभी गार्निश होगा। हाँ जी, गार्निश और चीज़ डाला जाएगा। ये पिज़्ज़ा कटर है ना? ये तो पिज़्ज़ा कटर से आप कट करते हैं उसे। हाँ, बटर डलेगा अभी। और ये कौन सा अमूल चीज़ यूज़ करते हो क्या? हाँ सर, अमूल चीज़ है। ओ चिली फ्लेक्स है? ये चिली फ्लेक्स है। ये मसाला डालेगा सीजनिंग। ये कौन सा मसाला है? सीजनिंग, सीजनिंग मसाला है। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मसाला, पिज़्ज़ा वाला। रेड सॉस, ये है रेड सॉस।
ये ग्रीन चटनी और ये है ग्रीन चटनी। ये कर्ड दही, ये है दही। तो गाइस ये हमारी पिज़्ज़ा पार्टी हो चुके हैं रेडी। तो साथ में देख सकते हैं हमारे पास केचप है, दही है और एक ग्रीन चटनी। भाई ग्रीन चटनी किसकी होती है? हरी मिर्च धनिया, हरी मिर्च धनिया। और साथ में हमारा ये पिज़्ज़ा पार्टी। चलो देखते हैं इसके अंदर का स्टफिंग कैसा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्न बिल्कुल बाहर है, स्टफिंग दिख रही है और पनीर वगैरह जब वो स्टफिंग भरी है बिल्कुल सही दिख रही है। और इसके ऊपर जैसे कि आपने देखा घी अपना बटर डाला हुआ था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक बटर डाला हुआ था, ये आप देख सकते हो। तो बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।